कमीशन तश्कील दिया जाए जो इस तय तक पहुंचे कि मुल्क की मुफाद के खिलाफ ये साजिश कैसे और किसने की और जिसके नतीजे में आज हमारी पूरी कौम भारी कीमत अदा कर रही है। जनाब स्पीकर, मौजूदा हुकूमत को एक बीमार मईसत वर्षे में मिली। मैंने आपको इंडिकेटर दर्ज कर दिए हैं और आप इसको 2022 से मुआवना करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा फर्क कितना गहरा है और 47वीं मईसत उसी से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जनाब स्पीकर, मालियाती खजारा पिछले साल जब हुकूमत में तब्दीली आई तो उस वक्त मौजूदा दौर की बुलंद तरीन शरह पर था जो कि 7.9% पर था। बैरूनी अदायगियों का खसारा 17.4 अरब डॉलर था और तजारती खजारा 40 अरब डॉलर तक पहुँच चुका था। जनाब स्पीकर, मईशत तबाही के दहाने पर थी। हमने 2018 तक मईशत को मजबूत मुआशी बुनियादों पर खड़ा किया था, हमारे पेशराओं ने इसे बर्बाद कर रख दिया। जनाब स्पीकर, मौजूदा हुकूमत को आए हुए अभी चंद माह गुजरे थे और मईशत को संभाला दिया जा रहा था कि तारीखी सलाब की नागहानी आफत ने पूरी कौम को अपने लपेट में ले लिया। इसकी शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है जनाब स्पीकर कि सैलाब से 3,30,00,000 अफराद मुतासर हुए जिसमें से बेशतर बेघर हुए और 1730 हमारे बहन भाई अपनी जानों से हाथ धो बैठे। जनाब स्पीकर, इस कुदरती आफत से जो मजमूई नुकसानात का तखमीना है जो कि वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन यूनियन और पाकिस्तान में जो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग है उसने असिस्ट किया और इसमें UNDP भी शामिल था, यूनाइटेड नेशन जो कि ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने करीबन 16 अरब जो है इकोनॉमिक लॉसेज और फिजिकल लॉसेज 14 बिलियन डॉलर, ये 30 अरब डॉलर से यानी 8,000 अरब रुपए से ज़्यादा पाकिस्तान का इन सैलाबों की वजह से नुकसान हुआ। पाकिस्तान की एमिशन जनाब स्पीकर 1% से कम है और पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का 8वां मोस्ट वल्नरेबल मुल्क है क्लाइमेट चेंज के हवाले से। तो ये नुकसान जो है इसके हवाले से आपने देखा कि सैलाब ज़्यादा इलाकों में बीमारियाँ फूट पड़ी, खड़ी फसलें तबाह हो गई, खसूसन कॉटन की कीमती फसल का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। कलील माली वसाइल के बावजूद मौजूदा हुकूमत ने 100 अरब के लगभग फौरी रिलीफ और रिहैबिलिटेशन पर खर्च किए और सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर 300 अरब रुपए से ज़ायद रिकन्स्ट्रक्शन के लिए मौजूदा माली साल में वसाइल मुख्तस किए गए हैं। जनाब स्पीकर, ऐवान को याद होगा कि इमरान खान हुकूमत ने 2019 में एक IMF से मुआहदा किया था। मेरी गुजारिश होगी कि जिन बहन भाइयों ने, दोस्तों ने, कॉलीग्स ने वो मुआहदा नहीं पढ़ा, एक दफ़ा मुआहदा ज़रूर पढ़ें। ये मुआहदा जो है ये आज के हालात में इसने जलती पे मिट्टी के जलती तेल पे उसमें यानी आग लगाने का रोल अदा किया था। ये 2019 का ये जो मुआहदा था ये सिर्फ एक हुकूमत का मुआहदा नहीं बल्कि ये एक रियासत का मुआहदा होता है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि इमरान खान हुकूमत ने अपने ही किए हुए मुआहदे से इनहराफ किया और मुआहदे के कुलीदी नुकात से जिस पर उनकी हुकूमत ने खुद दस्तखत किए थे उसके बिल्कुल बरक्स, जब वोट ऑफ नोट एक कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ हुआ तो उसके बरक्स उन्होंने फैसले कर दिए और उसको वर्चुअली उसको रोल बैक कर दिया, उसको डिसओन कर दिया। इसके नतीजे में IMF का प्रोग्राम तातुल का शिकार हुआ और एक वसी ट्रस्ट डेफिजिट IMF और पाकिस्तान के दरमियान उससे उसकी बुनियाद शुरू हो गई। जनाब स्पीकर, जैसा कि मैं पहले अर्ज़ किया कि IMF का के साथ मुआहदा सिर्फ एक हुकूमत नहीं एक बल्कि रियासत का मुआहदा होता है। इसी स्पिरिट में हमारी हुकूमत ने इमरान हुकूमत के किए गए मुआहदे को मनोवन तस्लीम किया, ना सिर्फ उस प्रोग्राम को बहाल करवाया बल्कि इस पर अमल दरामद यकीनी बनाया। कतई नज़र इसके कि इस मौजूदा हुकूमत के तमाम पार्टनर्स को कितना सियासी नुकसान उठाना पड़ेगा और वो नुकसान पॉलिटिकल हुआ। आज सबको पता है कि उसके नतीजे में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बेपनाह नुकसान उनका यानी अवामी सतह पर हुआ, लेकिन मैं समझता हूं कि हमें इस बात पर पुख्ता यकीन रखना चाहिए कि रियासत को सियासत पर फौकियत होनी चाहिए। अगर रियासत है तो सियासत है। इसी पस मंज़र में IMF का 9th मिशन हाल ही में पाकिस्तान आया और उससे हमारी मुआशी टीम के मुज़ाकरात 10 दिन हुए 31 जनवरी से लेके 9 फरवरी तक, जिसके नतीजे में एक अंडरस्टैंडिंग उनसे सामने आई
और हमने मुख्तलिफ मामलात पर मजीद अमल दरामद करने का अंदिया दिया। इन मामलात में सबसे अहम नुक्ता जो है इजाफी 170 अरब रुपए के महसूलात की वसूली का है, जिसको मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों। मेरा ख्याल है कि हर एक को ये पता होना चाहिए इस मौजूदा में कि इसकी वजह क्या है, ये क्यों इस पाकिस्तान को इस नुक्ते पे आके ये काम करना पड़ रहा है। जनाब स्पीकर, इस बारे में मैं मौजूदा को तफसील बताना ज़रूरी समझता हूँ कि IMF की टीम ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रवा माली साल जो कि फिस्कल ईयर 2022-2023 के अहदाफ हैं वो उसको पूरा करेगा। तो ये नहीं है कि उनके जो उन्होंने अहदाफ किए थे वो पूरे नहीं हो रहे इसलिए नए टैक्स, ये नहीं है, ये वजह नहीं है। इन इजाफी महसूलात का हुकूमत की माली कारकर्दगी से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान में बिजली के सरकुलर डेट का एक दहरीना बहरान चल रहा है, कई सालों से चल रहा है, मुख्तलिफ हुकूमतों में चल रहा है, लेकिन उसका हुजम वो बढ़ता जा रहा है। जनाब स्पीकर, बिजली की चोरी, लाइन लॉसेस, बिलों की अदम अदायगी के नतीजे में जनाब स्पीकर 3000 अरब रुपए के लगभग बिजली के बिलों के एवज सिर्फ 1600 अरब वसूल किया जाता है इस मुल्क में, और जो बाकी है 1400 अरब वो आपका सालाना नुकसान है सिर्फ बिजली पावर सेक्टर में इस मुल्क का। ये किसी भी मईशत के लिए एक बहुत ही लम्हा फिक्रिया है। जनाब स्पीकर, इस किस्म के नुकसान की कोई रियासत मुतहम्मल नहीं हो सकती। मैं मोजज़ मेंबरान की तवज्जो इस अमर की तरफ दिलवाना चाहता हूं कि 2013 से 2018 के दौरान हमारी पिछली हुकूमत PMLN ने इस संगीन मामले को टैकल करने की भरपूर कोशिश की और इसकी नतीजे में जो सर्कुलर डेट की बढ़ने की रफ्तार में खातर खा कमी आई। जनाब स्पीकर, शूमी किस्मत पिछली हुकूमत ने इस मसले पर भी कोई तवज्जो नहीं दी और उनकी नाअहली के सबब 4 साल हुकूमत के दौरान सर्कुलर डेट 1148 अरब जो 2018 में था वो बढ़कर 2467 अरब तक पहुंच चुका है, रुपयों पे पहुंच चुका है 2467 अरब 1148 अरब से विद इन 4 ईयर्स। बिजली के शोबे में इस्लाहात जनाब स्पीकर हमारे अपने मुआशी मुस्तकबिल के लिए कलीदी हैसियत रखती है। इस दगरगु सूरत हाल से निबटने के लिए लाजम है कि हम चंद मुश्किल फैसले करें जो आज हमें ग्राम मालूम होते हैं, मगर बिजली के शोबे की इस्लाह और मौसी इस्तेकाम के लिए बिल्कुल नागुजीर है। जनाब स्पीकर, इस तनाजर में मालियाती आलमी मालियाती अदारों ने भी इस शोबे की इस्लाहात को यकीनी बनाने पर बहुत जोर दिया है। इस शोबे में जिन इस्लाहात का हुकूमत ने फैसला किया है उसके नतीजे में रवा माली साल में सर्कुलर डेट में 855 अरब रुपए के तखमीना जो इसमें ऐड हो रहा था इस साल उसको कम करके 336 अरब रुपए किया गया है। ये हमारा नया हदफ है कि 855, क्योंकि तकरीबन 570 अरब बजट में आपने इस मौजूदा ज़बान ने बजट में यानी पास किया हुआ है। मैं उसके अलावा बात कर रहा हूँ जो 855 है जनाब स्पीकर, वो टोटल साल का फ़र्क नहीं है, टोटल 1400 अरब का है। तो जनाब स्पीकर, इसके साथ साथ बाकी माइंदा गैप को पुर करने के लिए बजट से रकम मुख्तस की जाएगी, जिसकी वजह से बजट में जो मजीद खसारा आ रहा है उसके लिए IMF से ये तय हुआ है कि इसका कुछ हिस्सा हम नए महसूलात से हासिल करेंगे। लिहाजा काबीना ने इस फाइनेंस बिल के जरिए जो मैंने आपकी यानी खिदमत में पेश किया अभी थोड़ी देर पहले 170 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने की मंजूरी दी है, जिसका तज़किरा मैंने अभी अर्ज किया है। जनाब स्पीकर, हमारी हत्तुल वसा कोशिश ये है कि सिर्फ ऐसे टैक्स लगाए जाएं जिनका बराह रास्त गरीब और मतवसत तबके पर कम से कम हो जाए, इसलिए रोज़मर्रा की अशिया पर इजाफी टैक्स आयद नहीं किया गया। इस तनाजर में इस मुअज्ज़ज़ ऐवान के सामने मंदरजा ज़ैल टैक्स तजावीज़ पेश की जा रही हैं। नंबर 1, हुकूमत ने अमीर तबके पर इजाफी टैक्स लगाने की हिकमत अमली के तहत अब लग्जरी आइटम पर GST की शरह को 17% से बढ़ाकर लग्जरी आइटम पर जो कि पहले बैन रही हैं कुछ महीने पहले उस पर 25% की बुलंद सतह पर ले जाने का फैसला किया है। इसी तरह जो एयर ट्रेवल है वो फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास में जो कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी है वो 20% ऑफ दी एयर टिकट या 50,000 रुपये जो भी ज़्यादा हो, विच एवर इज़ हायर, 20% ऑफ दी एयर फेयर और जो टोटल है विद टैक्सीज एक्सेट्रा और 50,000 विच एवर इज़ हायर। दूसरी, शादी ब्याह की पुरतश
वेडिंग हॉल में मुनक्कदा तकरीबात पर भेजा असराफ देखने में और मीडिया में रिपोर्ट होता रहता है। हम सबको सादगी अपनानी चाहिए, इसलिए फैसला किया गया है कि शादी की तकरीबात के बिलों पर 10% की शरह से विद होल्डिंग एडजस्टेबल एडवांस इनकम टैक्स नाफिज किया जाएगा। नंबर 3, जनाब स्पीकर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की चंद ऐसी एशिया की कीमतें बढ़ाने की सिफारिश उन्होंने की है जो इंसानी सेहत के लिए मुज़र हैं। इसलिए सिगरेट, एरेटेड और शुगरी जो ड्रिंक्स हैं, इनके ऊपर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह में इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है। नंबर 4, सीमेंट पर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी 1.5 रुपये फी किलोग्राम थी, उसको बढ़ाकर 2 रुपये फी किलोग्राम करने की तजवीज़ है इस बिल में, और कोविड से पहले भी ये 2 रुपये फी किलोग्राम ही थी, कोविड के दौरान इसको कम किया गया था। जनाब स्पीकर, नंबर 5, GST की शरह को 17% से बढ़ाकर 18% किया जा रहा है। इजाफी मासूलात आयद करते हुए हमने कोशिश की है कि आम इस्तेमाल की अशिया, मसलन गंदम, चावल, दूध, दालें, सब्जियाँ, फल, मछली, अंडों और खुले गोश्त और मुर्गी पर इजाफी टैक्स आयद ना किया जाए। जनाब स्पीकर, मौजूदा हुकूमत को इस बात का एहसास है कि महंगाई ने गरीब हमारे बहन भाइयों की मुश्किलात में इजाफा किया है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने फैसला किया है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफीद होने वाले अफराद के महाना वजीफे में इजाफा किया जाए, और इसके लिए 40 अरब रुपये मजीद मुख्तस किए जा रहे हैं, यानी 360 अरब का जो इस मौजूदा ज़बान ने BISP के लिए बजट मंजूर किया था, उसको बढ़ाकर 400 अरब किया जा रहा है। एक तरफ 170 अरब के जो टैक्सेस तो जरूर लग रहे हैं, लेकिन 40 अरब जो है वो इन यानी जो मोस्ट डिजर्विंग आपके एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम के तहत जिनको इमदाद हुकूमत देती है, जो उसका फ़र्ज है, उसको 40 अरब बढ़ाकर 400 अरब किया जा रहा है। मैं इस मौजूदा ऐवान को इस बात पर भी एतमाद में लेना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने यह फैसला किया है कि वो और उनकी काबीना सादगी अपनाएगी और आवाम को ऐसा करने की तलकीन करेगी। इस सिलसिला में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ अनकरीब कौम को एतमाद में लेंगे। जनाब स्पीकर, अब तक तो मैंने मईशत के बिगाड़ को दुरुस्त करने के लिए इकदामात बता रहा था, जिससे सिलेक्टेड हुकूमत की ना तजर्बा कार टीम की पैदा करदा खराबियाँ दूर होंगी। अब मैं उन बुनियादी इस्लाहात का जिक्र करना चाहूँगा जिसके ज़रिए मईशत में इस्तेहकाम आएगा। इन पर अमल करते हुए हम सब मिलकर इंशाअल्लाह जो हमें शुरू में मुश्किलात आएंगी, अल्लाह ताला पे भरोसा है माजी की तरह कि आहिस्ता आहिस्ता हम तरक्की का अमल दोबारा बहाल होगा। जनाब स्पीकर, कीमतों में इस्तेकाम हमारे मेजर से आएगा, लोगों की आमदन में इंशाल्लाह इजाफा होगा, इस दौरान हमारी GDP भी बेहतर होगी और दुनिया और हमें, लेकिन इसके लिए हम सबको मिलकर जो कुर्बानी देनी होगी, जो मेयर अडॉप्ट करने होंगे, वो हम सब का फ़र्ज़ है। वज़ीर आज़म ख़ुद बचत करेंगे और काबीना अपने अखराजात कम करेगी। शुरू में मईशत की शरह नमू सुस्त रौ होगी, लेकिन रफ्तार रफ्तार पैदावार में इजाफा होगा। ज़रायत, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबा जात में तरक्की के ज़रिए GDP ग्रोथ को अगले माली साल में 4% से इंशाल्लाह दोबारा तजावज़ करेंगे। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की मईशत दो बड़े मसाइल से उसको दो चार हैं, एक फिस्कल डेफिसिट और दूसरा करंट अकाउंट डेफिसिट। हम इन दोनों डेफिसिट या यानी खसारों को कम और कंट्रोल करने के प्रोग्राम पर अमल पैरा हैं। IMF के प्रोग्राम के जरिए हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर में इंशाल्लाह इजाफा होगा, रुपए की स्टेबिलिटी इसमें आएगी, इसकी कदर बेहतर इसमें इस्तेकाम होगा, हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं और रिमिटेंस हैं इंशाल्लाह वो उसमें भी बेहतरी आएगी, और मज़ीद जो इस वक्त जो हमारी LCs के ना खुलने के जो मसाइल हैं वो भी इंशाल्लाह दूर होंगे। हमारी मुल्क की एक्सपोर्ट्स का एक खतीर हिस्सा दरामदी खाम माल पर मुनसर है, LCs के मामला में आसानी से बरामदात में भी इजाफा होगा, और जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी इंपोर्ट प्रायोरिटाइजेशन लिस्ट इशू की है, उसमें फूड और फार्मास्यूटिकल यानी दवाइयाँ वो नंबर 1 पे उन्होंने रखी है, और नंबर 2 पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, चूँकि वो भी मुल्क की ज़रूरत है वो है, और तीसरे नंबर पे एक्सपोर्ट्स की इंडस्ट्री जो है उसके लिए जो इंपोर्ट्स या उसकी जो ज़रूरियात है वो तीसरे नंबर पे है। ये सर्कुलर पब्लिक हो चुका है और इस पे अमल दरामद तमाम बैंक से इसको कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, जहाँ तक माली खसारे का ताल्लुक है, ये अमर तसली बख्श है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस साल अपने महसूलात के हदफ को इंशाअल्लाह
आसान तरीके से पूरा करेगा। और महसूलात इस जो फाइनेंस बिल में जो ऐड किए गए हैं वो आपने जो उनका ओरिजिनल बजट अप्रूव किया था, उनको जो टारगेट दिया था, जो उनको हदफ दिया था, ये 170 उसमें ऐड होगा और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह वो उसको अचीव करेंगे और पूरा करेंगे। और जो वो इजाफी रकम ये होगी इससे हमारा जो फिस्कल डेफिसिट या जो माली खसारा है उसमें डायरेक्ट कमी आएगी। जनाब स्पीकर, पहले बयान किए गए मैक्रो इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स के अलावा सेक्टोरल इस्लाहात पर भी काम किया जा रहा है। ज़रात कम से कम अरसे में मईशत पर एक सेहतमंद असर ला सकती है। इस सिलसिला में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज़ शरीफ ने तकरीबन 2000 अरब रुपए के किसान पैकेज का हाल ही में ऐलान किया है। किसान पैकेज के मेन खदोखाल जो हैं वो ये हैं कि इस फिस्कल ईयर में, इस माली साल में 30 जून 2023 तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ज़रअी कर्ज़ों का हदफ जो है उसको 1819 अरब मुकर्रर किया गया। इसमें तकरीबन 400 अरब का इजाफा किया गया है और अभी तक लेटेस्ट नंबर जो है वो करीबन 1000 अरब तक ये डिस्पर्स हो चुके हैं। 1819 अरब रुपए में से करीबन 1000 अरब से ज़रा कम रकम वो डिस्पर्स हो चुकी है। नंबर दो, वज़ीर आज़म ने यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चरल लोन स्कीम के तहत आसान शरायत पर कर्ज़ों की स्कीम की मंजूरी दी है, जिसके तहत इस साल कम से कम 30 अरब रुपए के कर्जाजात फराहम किए जाएंगे। नंबर तीन, ज़रअी मशीनरी की फरहमी के लिए 6.4 अरब की सब्सिडी मुख्तस की गई है। इस स्कीम के तहत किसानों को ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, हार्वेस्टर्स वगैरह के आसान कर्जे सस्ते शरह के ऊपर मुहैया किए जाएंगे। नंबर चार, DAP जो खाद यूरिया के साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी नेगोशिएट करके उसकी कीमतों में भी नमाया कमी की गई है और जो इम्पोर्ट की गई है उसको उसी जो एक फिक्स कीमत है उसके ऊपर फराहम किया जा रहा है। नंबर पाँच, दरामद करदा यूरिया की कीमत को किसानों के लिए काबले ख़रीद बनाने के लिए, यानी कॉस्ट उसकी ज़्यादा है और जो इम्पोर्ट है वो तो करीबन 3 गुना है उसकी कॉस्ट जो इस साल इसके फ्लड्स की वजह से जनाब स्पीकर वीट भी इम्पोर्ट हुई और फर्टिलाइज़र भी इम्पोर्ट हुआ और इस पर खतीर रकम फॉरेन एक्सचेंज जो हमारी बहुत करंच है और बड़ी लिक्विडिटी शॉर्टेज है उसके बावजूद इस पर बड़ी खतीर रकम इस माली साल में खर्च की गई। 30 अरब रुपए की सब्सिडी इस यानी यूरिया की दरामद के हवाले से, क्योंकि वो इम्पोर्ट जो है वो करीबन 6-6.5 हज़ार रुपए से के करीब है, जो लोकल यूरिया है वो करीबन करंटली जो प्राइस है करीबन 2350 है, तो वो ये तो आप नहीं कर सकते कि दो कीमतों पे लोगों को दें कि ये इम्पोर्टेड है तो महंगा है ये, तो उसके लिए 30 अरब की सब्सिडी जो है वो हुकूमत बर्दाश्त करेगी। नंबर छः, जनाब स्पीकर, ज़रात से मुंसलिक छोटे और दरमियाने कारोबारों को सहल बनाने के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, यानी उनको स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के तर्ज पर एक किस्म का उनको दर्जा दिया गया है ताकि एग्रीकल्चर जो छोटे बिजनेस हैं वो अपनी नशोनुमा उनकी हो सके। जो ज़रअी कर्ज़ा हासिल करने के लिए आपको याद होगा कि बहुत ज़्यादा इस हाउस में भी मैंने देखा कि जो ओरिजिनल बजट जब पेश हुआ मई जून में, तो उस वक्त भी ये डिमांड थी कि जी PIU जो वैल्यूएशन होती है ज़मीन की, जिसके बेसिस पे इस काश्तकार को कर्ज़े मिलते हैं, वो पर यूनिट 4000 रुपए थी और उसको हमने 10000 रुपए उसका वैल्यू पर PIU यूनिट को बढ़ा दिया इस स्कीम में, जिसकी वजह से किसान अपनी उसी ज़मीनों पर बैंकों से ज़्यादा यानी रकम अपने कर्जा यानी ले सकेंगे ताकि अपने कारोबार को वो वसी कर सके। नंबर आठ, 5 साल तक जो पुराने ट्रैक्टर्स की दरामद की इजाज़त भी कस्टम ड्यूटी की रियायती शरह पर दे दी गई है, ये पहले इसकी इजाज़त नहीं थी। नंबर नौ, हुकूमत ने सोलर एनर्जी से ट्यूबवेल लगाने के लिए रियायती शरह पर कर्जे देने का भी फैसला किया है। रवा माली साल में 75,000 सोलर ट्यूबवेल लगाने का हदफ रखा गया, यानी ट्यूबवेल्स को कन्वर्ट करने का सोलर के ऊपर बजाय बिजली के ऊपर वो हो। दूसरा जो शोबा जिस पर इस हुकूमत की खास इस वक्त तवज्जो है वो आपकी IT और IT अनेबल्ड सर्विसेज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दुनिया में 4थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हो चुकी है जनाब स्पीकर, जिसमें फिजिकल, डिजिटल एंड बायोलॉजिकल का फ्यूजन है। इन्हीं अवामल को मद्देनज़र रखते हुए IT और IT अनेबल्ड सर्विसेज के लिए खसूसी मराहत का ऐलान किया गया है, जिससे इस शोबा की मुश्किलात हल होंगी इंशाअल्लाह। इस शोबा से मुंसलिक अफराद अपने निजी या कंपनी के अकाउंट में अपनी फॉरेन करेंसी जो उनकी रिसीट्स होंगी
35% तक अपने अकाउंट्स में रखने के वो मिजाज होंगे, जो उनकी बड़ी पुरानी डिमांड भी थी और उनका जेन्युइन एक मुतालबा था, इसको इसकी इजाज़त दे दी गई है। आईटी के शोबे के जो टैक्स के मामलों को खुश असलूबी से तय करने के लिए जनाब स्पीकर लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में इनकम टैक्स के मखसूस दफातर कायम कर दिए गए हैं। जनाब स्पीकर, इस बात की कभी उम्मीद है कि इस तमाम जो हमने एक्शंस लिए हैं या लिए जा रहे हैं, इसके नतीजे में यह आईटी का शोबा मुल्क की तरक्की में हरावल दस्ते का किरदार अदा करेगा। आईटी इंडस्ट्री के साथ मिलकर हुकूमत ने रवा माली साल में इसकी जो तरसीलात का हदफ रखा है, रेमिटेंसेस का जो इनकी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग होगी, वो पहले 2.5 अरब डॉलर था, उसको इन जो कंसेशन दी जा रही है, उनको फैसिलिटेशन दी जा रही है, तो जो इनका वो पूरा सेक्टर है वो 4 बिलियन डॉलर वो कहते हैं कि इस साल हम पाकिस्तान को अर्न करके देंगे। जनाब स्पीकर, आखिर में उन मौजूद मेम्बरान जो इस हाउस के पिछले असम्बली में भी थे, मैं उनको ये याद कराना चाहूँगा कि जो 5 बजट मैंने 2013 और 2017 के दौरान 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 मैंने पेश किए, उनमें हर दफ़ा मैंने ये एक रिक्वेस्ट की कि इस मुल्क में नेशनल इकोनॉमिक एजेंडे की ज़रूरत है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी, और हम मिलकर एक नेशनल इकोनॉमिक एजेंडे को मुरतब करें, उसके ऊपर हम एक यकजा हो जाएं और उसके ऊपर भी अमल करें, जो भी हुकूमत आती है जिसको अल्लाह ने ये मौका दिया, लेकिन उस इकोनॉमिक चार्टर के ऊपर कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। लेकिन समहाउ मैं उस पर अपना हदफ या अपनी एक जो विश थी उसको नहीं अचीव कर सका। मैं समझता हूँ कि इस बात से कदर नज़र जनाब स्पीकर कि किस जमात की हुकूमत है, रियासत उस राह पर गामजन रहे जो कि आप मिलकर एक तयन करें इस मुल्क के लिए, इसके फ्यूचर के लिए, इसकी कौम जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए एक ऑब्वियसली एवोल्यूशन प्रोसेस जनाब स्पीकर होता है, और वो एवोल्यूशन प्रोसेस ऑटोमेटिकली होता है कि उसमें इम्प्रूवमेंट्स होती हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आप इकोनॉमी कहाँ थी, आपको मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री डिक्लेयर किया था 2013 में, इलेक्शन से पहले जो ग्लोबल रिपोर्ट थी वो ये थी कि $1 पाकिस्तान को कोई अदारा नहीं दे रहा था, जैसे कि रिसेंट हमने देखा है पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है। ये तीसरी थी प्रेडिक्शन कि 6 से 7 महीने नो मैटर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीत के आएगी उसको डिफॉल्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। 2013 को याद करा जनाब स्पीकर, 10 साल पुरानी बात, वही मुल्क हमने सब ने मिल के इसी हाउस में और दूसरे सेनेट में हमने मिल के कोशिश की, उसकी डायरेक्शन चेंज की, और वो मुल्क 3 साल में दुनिया की 24वीं मईशत बन गया। सारे दुनिया के अदारे उसकी तारीफें करते थे, सारे दुनिया के इन्वेस्टर उसकी तो देख रहे थे, लेकिन शूमिय किस्मत के आज हम फिर गिर के 47th इकोनॉमी बन गए हैं, जो कि बहुत ही मेरे लिए मैं समझता हूँ हार्ट ब्रेकिंग है। इस बात से कतई नज़र कि किस जमात की हुकूमत है, मैंने जैसे अर्ज़ किया, रियासत उस राह पर गामजन रहे जो कि एक फ्यूचर रोड मैप आप तय्यून करें। इस अमर को क्यों कि यकीनन पहले से भी ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे मैंने अर्ज़ किया, जिस हम 98-99 में जब हमने धमाके किए उस वक्त पाकिस्तान एक बड़ा सीरियस चैलेंज का मुकाबला किया, सारी दुनिया वर अप इन द आर्म्स टू मेक पाकिस्तान डिफॉल्ट एंड पाकिस्तान टू फेस ट्रबल, और उस वक्त ये था कि इसने क्यों एटमी धमाके किए हैं, इसने क्यों पाकिस्तान को एटमी कुव्वत हुकूमत ने बनाया, हमने वो फेस किया, आप सब ने दुआएं की, मेहनत की, हम इसी दोनों हाउसेज में पाकिस्तान ने उसमें से निकल आया। हमने 2013 में भी ये देखा कि जहां हमारी एक कंबाइन एफर्ट होगी, जहां हम ईमानदारी के साथ इस मुल्क के लिए करेंगे, अल्लाह ताला की बरकत, मेरा ईमान है कि उसमें शामिल होती है और फिर हम उस मुसीबत से निकल जाते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम एक होकर एक हम रोड मैप तय्यून करें, एक हम मुआयदा करें कि पाकिस्तान की मईशत को हमने किस तरह लेके जाना है। और मैं दोबारा सबको दावत देता हूं, आए हम सब मिलकर बैठें, मुल्क के मुआशी मुस्तबिल के बारे में एक कौमी सोच अपनाएं। मुझे कभी उम्मीद है कि इकदाम की तकवील में हमें रियासत के तमाम अदारों की मुकम्मल हमायत हासिल रहेगी। आखिर में जनाब स्पीकर, मैंने जो मुल्की मीशत के बहाली के लिए हुकूमत के इकदाम और तजावीज़ के मुख्तसर खाका आपके सामने पेश किया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इन इकदाम के बिना पर मीशत हमारी इनशाला इकानमी बेहतर होगी और हम जल्द दोबारा अपने GDP ग्रोथ हमें तरक्की के राह पर हमारा दोबारा हम गामजन होंगे। मैं सबसे अर्ज़ करूँगा कि वो ये जो मैंने जैसे अर्ज़ किया कि 1998-99 और 2013-14 को हम सब ने देखे हुए हैं, मोस्ट ऑफ दी कॉलीग्स पर हेयर
हमने देखा हुआ कि वो कैसा पीरियड थे, वो कैसे चैलेंज थे। आज उससे भी डीपर चैलेंज पिछले साल से शुरू है इस मुल्क में, 47वीं मईत हम बन चुके हैं। हमें वापस इसको पाकिस्तान को उस तरक्की की राह पे लेके जाना है और इंशाल्लाह हमारी नीयत ठीक हो, हम इकट्ठे एक होकर इसके लिए कोशिश करें। मुझे कोई मुश्किल नज़र नहीं आती, इंशाल्लाह हम दोबारा उसी तरक्की की राह पर दोबारा गामजन होंगे, पाकिस्तान इंशाल्लाह खुशहाल होगा। अल्लाह पाक हमारा हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।